भाजपा द्वारा बुराड़ी विधानसभा में पहुंची जन आशीर्वाद यात्रा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पूरी दिल्ली के बुराड़ी में हुई जन आशीर्वाद यात्रा में पहुंचे। मोदी सरकार के 39 मंत्री देश भर में 212 लोकसभा क्षेत्रों का कर रहे हैं दौरा। कार्यक्रम के दौरान जमकर किया गया कोविड-19 का उल्लंघन। आशीर्वाद यात्रा के चलते बुराड़ी इलाके में लगा कई किलोमीटर लंबा जाम। केंद्र सरकार की नीयत और नीतियों के प्रति लोगों में विश्वास बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी मंगलवार को दिल्ली के बुराड़ी में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का स्वागत करने के लिए बुराड़ी मेन रोड पर कई जगहों पर टेंट लगाए गए, जहां से भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा और आतिशबाजी से स्वागत किया। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान खुली गाड़ी में कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों से भी दूर से मुलाकात करते हुए आए। कार्यक्रम के दौरान कोविड-19 का उल्लंघन किया गया, ना तो उचित दूरी का ख्याल रखा गया और ना ही माल से लगाए हुए लोग नजर आए। साथ ही साथ इस यात्रा की वजह से लोगों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और यात्रा के दौरान बुराड़ी इलाके में कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिसमें लोग घंटों फंसे रहे। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी केंद्र सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को गिनाते रहे और दिल्ली सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि आज़ादी से लेकर अब तक दिल्ली की संख्या 8 लाख से 2 करोड़ पहुंच गई, लेकिन बीती सरकारों ने दिल्ली वासियों के अच्छाई और विकास कार्य का कोई काम नहीं किया। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय नेता से लेकर केंद्रीय मंत्री तक हर कोई केंद्र सरकार की वाहवाही करता हुआ दिखाई दिया। साथ ही उनका कहना है कि इस आशीर्वाद यात्रा के जरिए वह खुद के लिए नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के लिए जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। अब आने वाले दिल्ली के नगर निगम चुनाव में जनता कितना आशीर्वाद देती है, यह तो कुछ महीनों बाद ही साफ हो पाएगा। इस दौरान कार्यक्रम में निगम पार्षदा उर्मिला राणा, रेखा सिन्हा, अनिल त्यागी और कल्पना झा ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद। कम 2 घंटे तो हमारे बीच में से ही नहीं, आपको इतना प्यार मिल रहा है, देखिए हमारे कितनी लोकप्रियता में है। फिर रूट अगली बार इसे ध्यान से बनाना कि लोगों को रुकना ना पड़े। देखिए आज मेरे भाई मनोज जी ने, हमारे अध्यक्ष अदेश गुप्ता जी ने और मेरे बाकी भाइयों ने भी अनऑथराइज कॉलोनीज की बात की है। जब मैं नया नया मंत्री बना तो मैंने बहुत लोगों से चर्चा की। मैंने कहा कि भाई मेरी पैदाइश दिल्ली में हुई थी, मैं दिल्ली में जब पैदा हुआ 1952 में, तब से अगर दुनिया में कोई शहर है तो मैं अपना शहर दिल्ली को मानता हूं, क्योंकि मैंने फॉरेन सर्विस में काम किया 40 साल बाहर रहा, मतलब अंदर और बाहर। मेरे पिताजी भी थे फॉरेन सर्विस में। पर मैं दिल्ली के बारे आपको कुछ बताना चाहता हूं। 1947 में दिल्ली की जनसंख्या केवल 8 लाख थी, 8 लाख। इसका मतलब पूरी दिल्ली की जो जनसंख्या थी बुराड़ी के एमएलए कंस्टिट्यूएंट से थोड़ी सी ज्यादा थी। और इतनी जमीन तो उतनी थी, जमीन तो कम नहीं हुई, हमारी जमीन तो कोई नहीं ले गया, मतलब इतनी पॉपुलेशन फैली हुई थी। जब मेरे माता पिता और उनकी जनरेशन के लोग आए रेफ्यूजी बनके, तो 1950-52 में जब मैं पैदा हुआ तो दिल्ली की जो जनसंख्या 22 लाख हो गई। और उसके बाद बढ़ती गई। 2021 में एक सेंसस होगा, पता करेंगे कितनी जनसंख्या है, पर मैं विश्वास से कहता हूं 2 करोड़ के नजदीक होगी, या 2 करोड़ से अधिक होगी या कम होगी। जी, क्या नाम है आपका? मैं विजय शर्मा मैथिल। आज का जो प्रोग्राम हुआ है यहाँ जो बुराड़ी विधानसभा की बात है, ये आप लोग कैंप लगा रखे हैं, क्या जनता का संदेश रहेगा? जनता में हम ये संदेश देना चाहते हैं कि अभी जो आपने देखा होगा पार्लियामेंट विपक्ष ने चलने नहीं दी, हूँ हल्ला करके हमारे जो नव निर्वाचित
हमारी जो उसका विस्तार किया था हमारे मंत्रियों का मोदी जी के कैबिनेट में, उसको उन्होंने परिचय नहीं होने दिया, उनका उन्होंने परिचय नहीं होने दिया। तो हम लोगों ने, हमारी पार्टी की तरफ से हमने यही विचार किया है कि हम जन जन तक जा कर के अपना परिचय खुद कराएंगे और इन लोगों की बात रखेंगे। वैसे तो हम सब लोग देख ही रहे हैं कि इन लोगों ने कितनी गुंडागर्दी की हुई है, संसद चलने नहीं दे रहे हैं, जो कि जनता के पैसों से ये सब मौज कर रहे हैं और वही जनता के काम ये हो नहीं देते हैं। जनता के लिए क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ? जनता के लिए यही संदेश है कि जनता एकजुट होकर के देखे और वो खुद फैसला करे कि आगे आने वाले दिनों में निगम का चुनाव है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का विजयी बनाए और फिर 2024 में वो विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को लाए, इसके बाद में 2025 में फिर मोदी जी को लेकर आए। क्या लग रहा है कि एमसीडी चुनाव के पहले इस तरह से यात्रा निकाला जा रहा है, जनता के क्या प्रभाव पड़ेगा? जनता को हम जगाने आए हैं, जनता को बताने आए हैं और खासकर बुराड़ी के अंदर, ये जो बुराड़ी के अंदर हमारी एक विशाल जनसभा होने जा रही है, उसका यही संदेश है कि जो आप देख रहे हैं, मंत्रिमंडल में शामिल हुआ हो 2017 सितंबर से, अक्सर ये मेरे पास आके विकास के कार्यों के बारे और खास करके बुराड़ी के बारे बातचीत करते हैं। तो आज जो इन्होंने आपके सामने बात रखी, ये पहली बात ही मैं सुन रहा हूं, और कई ऐसी भी बातें हैं जो इन्होंने आज बताई नहीं। पहले इन्होंने बताया था कि, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, कि मुझे एक विद्यालय के लिए जमीन चाहिए, तो मुझे लगता है वो जमीन मिल गई है इनको। और आज जो इन्होंने मांग की कि बुराड़ी की जो जनसंख्या है वो 6 लाख से अधिक हो गई है, तो एक डीडीए का फील्ड ऑफिस होना चाहिए था, तो इसलिए नहीं क्योंकि मुझे जन आशीर्वाद भी मिला, आपसे प्यार भी बहुत मिला है और ये मेरे मित्र हैं, पर मैं सोचता हूं तौर तरीके से भी कोई भी एमएलए की कंस्टिट्यूएंसी जिसकी जनसंख्या 6 लाख हो, वहां पे डीडीए का फील्ड ऑफिस होना ही चाहिए। इसलिए हम पार्लियामेंट में अगर ऐसी भाषा इस्तेमाल करते हैं तो उसको अश्योरेंस माना जाता है, तो मेरी तरफ से आप इसको अश्योरेंस मान लीजिए। और अश्योरेंस जो होती है ना, वो जब हम नए नए सांसद बनते हैं तो हमें अश्योरेंस की परिभाषा क्या होती है,